नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारवाड़ी मीडिया। आप देख रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान उपचुनाव को लेकर यह खबर आ रही है। पहले राउंड में खींवसर और मंडावा दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और एक बड़ी खबर और आ रही है, दूसरे राउंड में भी रीटा चौधरी और हरेंद्र मिर्धा आगे चल रहे हैं। तो खींवसर से नारायण बेनीवाल पीछे चल रहे हैं, मंडावा से बीजेपी की सुशीला पीछे चल रही है। हालांकि अभी शुरुआत है, रुझान आने बाकी है, फिर भी रुझान है वो बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल सुबह ये खबर आ रही है कि कांग्रेस दोनों सीटों पर आगे चल रही है, जो जनादेश सामने निकल कर आ रहा है। अब राजस्थान में कांग्रेस खुश जरूर नजर आ रही होगी क्योंकि खींवसर से हरेंद्र मिर्धा आगे चल रहे हैं, रीटा चौधरी लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रही है और खींवसर से हरेंद्र मिर्धा करीब 3,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी नारायण बेनीवाल पीछे चल रहे हैं, सुशीला सिंगड़ा पीछे चल रही है झुंझुनू मंडावा से। तो इस वक्त काफ़ी निराश करने वाली खबर है ये आरएलपी और बीजेपी दोनों के लिए। पहले और दूसरे राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।